7 चैप्टर हैं और 7 दिन, हर दिन एक चैप्टर करूंगा, आराम से हो जाएगा। है 4 दिन और 7 चैप्टर, हर दिन 2 चैप्टर कर लूंगा, अबे आराम से हो जाएगा। 7 घंटे और 7 चैप्टर, अबे एक एक घंटे में करके हो जाएगा। 70 मिनट और 7 चैप्टर, अबे हर चैप्टर 10-10 मिनट में हो जाएगा। प्री एग्जाम में अभी 2 महीने हैं, मतलब 8 हफ्ते और 7 चैप्टर हैं। ये हफ्ते आराम करता हूँ, मैं 7 हफ्ते और 7 चैप्टर रह जाएंगे। ओके क्लास, 3 घंटे हैं, पेपर अच्छे से सॉल्व करना, ऑल द बेस्ट। सर सर हो गया। अरे चंदू, बड़ी जल्दी खत्म कर दी पेपर। अच्छा ये बता, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या था? क्या क्वेश्चन नंबर 17 पीछे भी था क्या? लग गई केटी। तुझे पता है ये पेन दादा के दादा ने अपने हाथों से बनाया था। अरे ये देख, 7.5 साल के लड़के के साथ क्या हुआ। क्या? 8 साल का हो गया। यार मम्मी से बोल के चाय बनवा ले, फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जब तक मम्मी चाय बनाएगी आजा, एक वीडियो देख लेते हैं। चल बहुत वीडियोस देख लिए, अब पढ़ाई करते हैं। पागल हो गया है क्या? 12 चैप्टर बाकी हैं और 2 घंटे बाद एग्जाम है। हाँ तो हर चैप्टर के लिए 10 मिनट, सिर्फ 6 चैप्टर पढ़, बाकी चीज छोड़ दे। भाई चाय पी लें के पहले? जल्दी कर, 2-2 बार रिवाइज भी हो जाएगा, बस 40 मार्क्स तो लाने हैं पास होने के लिए। भाई तू 10th क्लास के बाद क्या करेगा? पास हो गया तो 11th। अबे लाइफ में आगे क्या करेगा? यार मुझे ना ये भीड़ चाल में इंटरेस्ट नहीं है। साइंस लिया तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कॉमर्स लिया तो CA बनो। मुझे तो अपनी पढ़ाई से कुछ ऐसा काम करना है जो इस समाज और मानवता में बदलाव ला सके, इसलिए मैं तो आर्ट्स लेने वाला हूँ। चल पका मत, सच सच बता। भाई आर्ट्स में कट ऑफ कम है इसलिए। दिन भर फोन में लगा रहता है, कोई दिन धर्म नहीं। इतना कमा के पढ़ाओ फिर भी फोन में खीखी हूहू। फिर चपाती ने बोला कि मैं रोटी हूँ पर वो आता ही नहीं है। सर क्या बात है सर। फिर मैंने बोला, शोभा तुम लड़कियों को गाली क्यों नहीं देती? तो शोभा ने कहा, सर लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। सर टू मच, सर टू मच, आप तो कपिल शर्मा से बढ़िया हो, मेरा पेट दुख गया। अच्छा बताओ फिर गार्लिक ब्रेड ने पिज्जा को क्या बोला? नहीं पता सर। पिज्जा हट। ये सब चीज की वजह से ही सर की बीवी ने सर को छोड़ दिया। ओए जल्दी टीवी चालू कर, यूवी छक्के मार रहा है। यार वो इस साल 10th की एग्जाम है ना, तो पापा ने टीवी हटवा दिया है। यार ये इसको क्या हुआ, इतना उदास क्यों है बेचारा? वही यार जो सेजल के पति के साथ हुआ था 10 साल पहले, सोनल ने भी इसके साथ ऐसा ही किया। सेजल? क्या तुझे सेजल का ससुराल नहीं पता? दोस्तों इसे सेजल का ससुराल की कहानी नहीं पता। यार पापा ने 10th में टीवी हटवा दिया था। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। कैसे? तुमने वो डेंजरस डेयर डेविल शो नहीं देखा? उसमें बताया था। यार पापा ने 10th में टीवी हटवा दिया था। भाई अगले हफ्ते बायो में वो वाला चैप्टर आने वाला है। हाँ भाई चैप्टर नंबर 9, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके क्लास,
आज हम चैप्टर नंबर 8 खत्म कर देंगे, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। भाई आज तो तू टाइम से पहले ही आ गया क्लास। अरे आज तो वो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है ना। ओके क्लास, अपनी बुक्स में पेज नंबर 256 ओपन करो। नहीं, ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ यार, ये न्यूटन ने ना जीना हराम कर रखा। अगर तू त्रिपाठी की क्लास में ध्यान दिया होता तो न्यूटन को इतनी गालियां नहीं सुननी पड़ती। अबे साले, मैं ध्यान दे रहा था, तूने ही दारू दारू वाला गाना याद दिला दिया था। अच्छा कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं। बता क्या समझ नहीं आ रहा। ये न्यूटन्स लॉ यार। न्यूटन्स लॉ? अबे वो चश्मिश को फोन लगा, साला LLB की तैयारी कर रहा है, उसे पक्का पता होगा न्यूटन्स लॉ। साला दिमाग की बेसिक्स ही सही नहीं है, कैसे पास करूंगा मैं सेमेस्टर।